फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट पढ़ते हैं, ये तो कभी कभी होता है कि मुख्यमंत्री पार्टी की मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर को ही बजट पढ़ना चाहिए, मगर अगर फाइनेंस मिनिस्टर स्वस्थ हो, सबल हो और बाद में टीवी चैनल में दिखे तो जानिएगा राजनीतिक कारणों से पार्टी के मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मिडिल क्लास के लिए बजट का जो अर्थ होता है वो अमूमन होता है टैक्स स्लैब में क्या होने वाला है, मगर बजट का अर्थ हो चाहे कोई भी कानून को पारित करने का जो मापदंड होना चाहिए वो इसी पे, इसी कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। और वो कसौटी है किस प्रकार सबका साथ हो और सबका विकास हो, सबका विश्वास उसमें समाहित हो, इस कसौटी पे क्या ये बजट खरा उतरता है? तो मैं कहूंगा 100%। जिस बजट को 1 तारीख को आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने रखा, जिसमें मोदी जी के भाव प्रतिबिंबित होते हैं, वो संपूर्ण रूप से खरे उतरते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। इट वॉज रिंगिंग इन द इयर्स एंड इवन नाउ इट्स ऑफ्ट बीन स्पोकन अबाउट, इट इज वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी का अर्थ होता है, मैं बहुत एक इकोनॉमिस्ट की तरह बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं हूं नहीं, वी शेप रिकवरी का अर्थ होता है, मोटा मोटी में समझा देता हूं कि सडनली किसी लोकल कारण के लिए, किसी तक्षणात आए व्यवधान के कारण हमारी इकोनॉमी गिरी थी और वो जैसे ही व्यवधान हटा हम उसी स्पीड के साथ रिकवर कर गए, ऐसे गिरे थे ऐसे रिकवर कर गए, तो वो वी हो गया। तो लोग सोचते हैं ये वी क्या है, वी होता है हठात से गिर जाना, तक्षणात गिर जाना, क्योंकि उसी समय कोई बाध्यता थी जो पेंडेमिक था और पेंडेमिक के जो नियम कानून लॉकडाउन इत्यादि थे उसके कारण, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन के कारण हमारी जीडीपी बहुत तेजी से गिरी थी और उसी तेजी के साथ उसने रिकवर किया, इसलिए वो वी शेप रिकवरी थी। आज भारतवर्ष पूरे विश्व का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। अपने आप में जो असंभव कहा जाता है वो हमारे सामने संभव होते दिख रहा है, और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, आज पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते थे किंतु वास्तविक रूप में वसुधैव कुटुंबकम के नीति को मानते हुए आज तमाम विदेशों में जिस प्रकार हमारा वैक्सीन पहुंच रहा है, मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंच रहा है, वी आर रियली अर्निंग द गुडविल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस ग्लोब एज वेल। ये हमारी डिप्लोमेटिक विजय है। तो पहला पिलर है हेल्थ के ऊपर जिस प्रकार का पूरा इन्वेस्टमेंट फोकस दिया गया है, 137% निवेश हेल्थ में हमारे इस बजट ने बढ़ाया है, जहां 94,000 करोड़ रुपीज इससे पहले के बीई बजट एस्टिमेट्स थे, अब ये बजट एस्टिमेट बढ़ा करके 2,24,000 करोड़ 137% जंप होता है। खाली इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे और पायदानों को मिलाया जाता है, पोषण टू, किस प्रकार न्यूट्रिशन हम सबको मिले, और ये जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन 42 सिटीज में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कोलकाता इत्यादि शहर भी आएंगे क्योंकि ये मेजर शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, इन शहरों में पॉल्यूशन को कम करने के लिए 2,2700 करोड़ रुपए का एक बजट आवंटित किया गया है फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। आज से लगभग कुछ महीनों पहले, ये कोरोना के ठीक आरंभ होने से पहले, दिल्ली की स्थिति बड़ी खराब थी, कहते थे कि दिल्ली का जो एयर इंडेक्स है वो बड़ा खराब हो गया, बहुत ही व्यवस्था खराब हो गई थी और पॉल्यूशन के कारण हाहाकार मचा हुआ। वैसे में ये जो आंदोलनजीवी थे, इन्होंने आंदोलन कर दिया था कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो ठीक हो रहा है। उस समय लड़ाई चल रही थी कि ये पराली, स्टबल बर्निंग, जिसको अंग्रेजी में स्टबल बर्निंग कहते हैं, इस क्षेत्र में कम होता है, मगर दिल्ली के साइड में, हरियाणा पंजाब इत्यादि में कुछ क्षेत्रों में ये स्टबल बर्निंग, अर्थात आपकी खेत कटाई के पश्चात जो धान बचता है, जो धान का नीचे का पोर्शन बचता है, उसको जलाया जाता है और उसको फैलाया जाता है ताकि वो मैन्योर बने और फ्यूचर में हम वहां पे अलग फसल बो सके, क्योंकि उसको डिस्पोज करने का कोई तरीका नहीं है। मोदी जी ने 500 करोड़ उसके लिए भी आवंटित किया था, डिस्पोज करने का तरीका भी निकाला था, खैर कुछ स्टबल बर्निंग होता रहा, मगर कुछ आंदोलनजीवी ने कहा था यह स्टबल बर्निंग तुरंत बंद होना चाहिए, इस पे फाइन भी लगनी चाहिए, और कुछ आंदोलनजीवी जाके पहुंच गए थे एनजीटी के पास, ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास भी पहुंच गए थे कि इस पे आप कुछ करिए, तो एनजीटी ने फाइन लगा दिया, ये पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइन लगा दिया, ठीक है फाइन लग गया,
कोई अब स्टबल बर्निंग नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मान्य होता है सुप्रीम कोर्ट रेंजिटी। अभी जब किसान आंदोलन हुआ, इनमें से कुछ आंदोलनजीवी कह रहे थे अच्छा फाइन लगाओगे, इंटॉलरेंस हो गया, ये तो असहिष्णु हो गया, डेमोक्रेसी खतरे में आ गया, हम अपना स्टबल भी नहीं जलाए, हम अपनी ये पराली मेरी है, ये आग भी मेरा है, ये माचिस भी मेरी है, मैं जलाऊंगा फिर मैं फाइन भी दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता है। सरकार ने कहा ठीक है। बताइए कमाल की बात है, उस समय यही लोग रो रहे थे ये पराली क्यों जलाया हमारे बच्चे, उस समय ऐसे आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय मैं डिबेट में जाता था, घोर घोर करके अंग्रेजी बोलते थे ये लोग, और ऐसे बोलते थे माय गॉड माय स्मॉल चाइल्ड इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ पराली, ऐसे ही बोलते थे साहब, मतलब वो सारे आंदोलन जी को लेके आते थे, वो अपने माय चाइल्ड इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ पराली, Why मोदी जी इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर पराली, और अभी वही आंदोलन जी वो बच्चे को कहीं छोड़ के आए और बोल रहे Why fine for पराली। आप बताइए ये कैसे आंदोलन जीवी है, उस समय कह रहे थे फाइन क्यों नहीं लगाया पराली के लिए, और अब कह रहे फाइन। एयर पॉल्यूशन के बारे में बात हुई तो उससे मुझे पराली याद आया, फिर ये आंदोलन जीवी याद आए, फिर मैंने बताया। तो किस प्रकार हेल्थ में एक बड़े अमाउंट का अलॉटमेंट किया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, और आप सब कार यूज करते होंगे, वॉलंटरी स्क्रैपिंग ऑफ द कार जो सबसे बड़ा खर्चा किया गया है दूसरे नंबर पे जिसका नाम आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के। मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि बजट का विषय बड़ा बोरिंग होता है, बजट तभी अच्छा होता है जब अपने पास आ जाए, सुनने में बोरिंग होता है, तो इसलिए अधिक नहीं कहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो, चाहे वो सुझाव हो, एकमात्र सुझाव जो इस बार बजट में सरकार को दिया गया था दैट वॉज लूजन योर पर्स स्ट्रिंग, आप अपने पर्स स्ट्रिंग को खोलिए, एंड 3 सजेशंस दैट वर गिवन टू द गवर्नमेंट वेर स्पेंड स्पेंड एंड स्पेंड, ये 3 सजेशन दिया गया था, सजेशन नंबर 1 स्पेंड, सजेशन नंबर 2 स्पेंड, सजेशन नंबर 3 स्पेंड, एंड द गवर्नमेंट डिड इट। चाहते बस हाथ में पैसा आ जाना चाहिए, बस फिर सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं होता। ये इकोनॉमिक सर्वे में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के विषय में चैप्टर था, जब रेवेन्यू स्पेंड करती है सरकार, मतलब आप केवल हाथ में पैसा दे देते हैं, अगर 1 रुपया मैं साहब के हाथ में दे दूं तो जो सरकार पाएगी वो कम पाएगी, वो 0.98 पाएगी वापस, मगर अगर आप वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया लगाओगे तो वो मल्टीप्लाई होगी और 2.5 गुना इनिशियली बनेगी 2.5%, और जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो सरकार को जो रिटर्न मिलेगा वो 4.5% होगा, लगभग 4 गुना सरकार को वापस मिलेगा, 4 से 5 गुना। तो आप सोचिए 1 रुपया आप देंगे और 5 रुपया वापस अपने कॉफर में पाएंगे ताकि भविष्य के लिए और रुपया दे सके लोगों को, और ज्यादा लोगों को आप आत्मनिर्भर और सुदृढ़ बना सके, देश को और डेवलप बना सके। इसलिए केवल कॉफर खाली कर देना, पैसा लाके तिजोरी से दे देना हाथ में, वो सोल्यूशन नहीं होता है। जब पैसा देना था सरकार ने दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, और आज खुशखबरी है कि राज्यसभा के अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा जिन 80 करोड़ लोगों को ये राशन दिया गया था वो अभी कंटिन्यू करने वाला है, पहले केवल छठ तक वो बढ़ाया गया, अब उसको कंटिन्यू रखने की बात हुई। तो जिन लोगों को हालात को देखते हुए कि आज परिस्थिति ठीक नहीं है, हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, सरकार ने तक्षणात हैंड होल्डिंग किया, सरकार ने उनके जेब में पैसे भी दिए, हमारी माताएं हमारी बहनों के घर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो जनधन अकाउंट खुले थे उस अकाउंट के माध्यम से पैसे भी गए, 3 सिलेंडर भी दिए गए उज्ज्वला के माध्यम से, आपने देखा ये सारी चीजें सरकार ने तब किया जब सरकार को लगा कि अब बिल्कुल हाथ पकड़ करके फीडिंग की आवश्यकता है, वो कराया। किसानों को लेकर जिस प्रकार का एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, इस बजट में किसानों के लिए पारदर्शिता के साथ मोदी जी की सरकार ने स्पष्टता से आंकड़ों के माध्यम से, वो आंकड़े भी मैं आज लेके आया, आंकड़ों के माध्यम से सरकार ने कहा है कि आज भी सरकार ने, आज भी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है MSP थी MSP है और MSP हमेशा रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी इफ और बट नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं संसद के गरिमा को बनाए रखते हुए कह रहा हूं, क्योंकि संसद में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री कहता है कभी नहीं जाएगी,
तो वो झूठ नहीं होता है। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है एमएसपी का, मैं आंकड़े यहां कह भी दूंगा कि डेढ़ गुना एमएसपी देने का काम हमारी सरकार ने किया था। व्हीट गेहूं के ऊपर 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपया ये भुगतान एमएसपी के माध्यम से किया गया था। 2019-20 में 62,802 करोड़ किया गया था और 2021 में 75,060 करोड़ रुपया ये भुगतान किया गया। तो कहां 33 और कहां 75, इतनी की बढ़ोतरी हुई। ठीक उसी प्रकार राइस में 63,900 करोड़ रुपया का भुगतान 13-14 में हुआ था और अभी 20-21 में 1,72,702 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया है। यह अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार एमएसपी किस बढ़े रेट पे दे रही है। पल्सेस अर्थात दलहन में भी, दलहन में 400 गुना वृद्धि हुआ है प्रोक्योरमेंट एमएसपी। 236 करोड़ रुपया 2013-14 में दिया गया था जो बढ़ के 8,285 करोड़ हुआ 19-20 में और अब 10,530 करोड़ रुपए। कहां 236 करोड़ और कहां 10,000 से अधिक करोड़ रुपया, 400 गुना का वृद्धि मोदी जी के समय दाल के प्रोक्योरमेंट एमएसपी में हुआ है। तो यह अपने आप में एक गाथा बयान करती है और जिस प्रकार आंदोलन जी भी झूठ बोल रहे हैं वो भी दिखाती है। तो किसानों को लेकर 16.5 लाख करोड़ रुपए का एक क्रेडिट एग्री क्रेडिट स्थापित किया गया है। कोई भी लोन लेना चाहे वो उससे ले सकता है और अपने काम को, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो चाहे वो फिशरी का हो, उसके माध्यम से बढ़ा सकता है। बंगाल के लिए भी इस बजट में, खास करके बंगाल के किसानों के लिए, जो फिशरी का पेंटुआ घाट में जो हार्बर में फिशरी की बात कही गई है और ठीक उसी प्रकार हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं यहाँ के और आसाम के चाय बगान के, हमारी खास करके महिलाओं के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी कि जिस प्रकार उन्होंने बंगाल को हाथ खोल करके 675 किलोमीटर सड़क की योजना दी है, कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे को अपग्रेड करने के लिए 25,000 करोड़ रुपया। ठीक उसी प्रकार ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर दिया है, ये खड़गपुर डांकुनी ये सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को आज धन्यवाद देना चाहूंगा कि बंगाल के लिए उन्होंने न केवल हाथ खोला है बल्कि उन्होंने दिल भी खोला है और आगे इसी प्रकार हमेशा बंगाल को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करेंगे। और कल मोदी जी ने हल्दिया में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया, आप लोगों ने सुना कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं मंच पे बैठा था, मैं आपको आज रिएट्रेट कर दूं। मोदी जी ने किसानों को लेकर किसान सम्मान निधि के विषय में चर्चा की और मोदी जी ने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट के बैठक में ये चर्चा होगी और ये पारित होगा कि किसान सम्मान निधि प्रत्येक किसान को तो मिलेगा ही मिलेगा, जो बकाया था जो ममता दीदी ने नहीं दिया वो भी मिलेगा। तो ममता दीदी ने जो नहीं दिया वो भी मिलेगा, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। और देखिए 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस के दिन, जब गुड गवर्नेंस का डे होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है, 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने जब एक बटन दबा करके 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान सम्मान निधि का भेजा, 23 लाख किसानों ने इस बंगाल की पवित्र भूमि से ऑनलाइन रजिस्टर कराया हुआ था, 23 लाख किसानों कि हमें भी ये किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए क्योंकि हम ही एलिजिबल है इस सम्मान निधि के। किंतु दुखद विषय, मुझे दुख होता है और मैं ममता दीदी से कहना चाहूंगा, आप राजनीति करिए हर विषय में करिए, कम से कम गरीबों के पैसे को मारने में तो राजनीति मत करिए, उनका पैसा उनका अधिकार जो मोदी जी उनको दे रहे हैं वो तो उनके जेब तक जाने दीजिए, उनके अकाउंट तक जाने दीजिए। ये 23 लाख जो किसान थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद यहाँ की सरकार ने उनको वेरीफाई नहीं किया, उनके नाम को सत्यापित नहीं किया और नतीजा रहा कि 23 लाख बंगाल के गरीब किसान अपने अधिकारों से वंचित रह गए। इससे दुखद विषय कुछ नहीं हो सकता। राजनीति हर विषय में करिए, आंदोलन भी करिए, किंतु आप गरीबों के अकाउंट में जो पैसा जाना है, जो उनका अधिकार है, वो वंचित रखेंगे। और तो और अंत में जब सरकार अब जाने वाली है तो ममता जी ने चिट्ठी लिखा केंद्र कि हाँ अब मैं तैयार हूं, किसान सम्मान निधि लूंगी मगर मेरे अकाउंट में दे दीजिए।
मेरे अकाउंट में दे दीजिए, मैं बांटूंगी क्यों? अरे भाई डायरेक्टली उसके अकाउंट में जा रहा है, कट मनी, सब चीज में कट मनी चाहिए। इतना अच्छा बजट, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि जिसका जो अधिकार है डीबीटी के माध्यम से वो उसके जेब तक, उसके घर तक पहुंच रहा है, मगर हमारे नेता है कि मानते नहीं, वो उसमें भी कट मनी चाहिए, मेरे अकाउंट में भेज दीजिए। देखिए जब भी अति होता है तो वो इति होता है, इसलिए अब इति होने का समय आ गया है। और ये जो बजट मोदी जी ने बनाया है, समूचे रूप से ये बजट बंगाल में भी लागू होगा और बंगाल के भी अच्छे दिन आएंगे, मैं पूर्ण रूप से ये विश्वास करता हूं। वैसे बजट के विषय में तो बहुत कुछ लिख के लाया था, मगर मुझे लगता है इतना ही ठीक है, क्योंकि दीदी तक खबर पहुंचे और दीदी कटमनी छोड़ करके वास्तविक भलाई करे जनता के लिए, मुझे लगता है ये आवश्यक है।